मुंबई से सटे ठाणे के कल्याण से बड़ी खबर आ रही है। कल्याण में किसानों का प्रदर्शन हिंसक हो गया है। यहां किसानों ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हिंसक विरोध शुरू कर दिया है। आपको बता दें, किसानों का यह आरोप है कि रक्षा मंत्रालय के लिए उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया। किसानों ने पुलिस की गाड़ियों में भी आग लगा दी है। तो बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर से आपको बता दें, मुंबई से सटे ठाणे के कल्याण से यह खबर है। कल्याण में किसानों का प्रदर्शन हिंसक हो चला है। किसानों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी है। यहां किसानों ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हिंसक विरोध शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके का प्रदर्शन यहां नजर आ रहा है। किसानों का यह आरोप है कि रक्षा मंत्रालय के लिए उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया। और गुस्साए किसानों ने वहां किस तरीके से गाड़ियों में आग लगा दी है, यह आप देख सकते हैं। और जितेंद्र दीक्षित इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, अभी क्या सूरत हाल है यहां पर? देखिए, ये पूरा मामला मुंबई के पास बदलापुर का है। बदलापुर एक कस्बा है मुंबई के नजदीक ही, और उसी के पास नेवाय नाम का गांव है। उस गांव के लोगों ने ये हिंसक आंदोलन किया है। उनका ऐसा कहना है कि नेवी की ओर से उनकी जमीन को अधिग्रहित किया गया और जबरन जो है उनकी जमीन छीनी गई है, उसके विरोध में वे आंदोलन कर रहे थे। और पहले तो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में ये इसने हिंसक रूप ले लिया। और वहां मौजूद जो पुलिस की 6 गाड़ियां थी, जो जानकारी मिल रही है, 6 गाड़ियों को गुस्साई भीड़ ने आग लगा दी। इसके अलावा कुछ निजी वाहनों पर भी हमला किया इन्होंने। और अतिरिक्त जो पुलिस बल है उसको मुंबई से रवाना कर दिया गया है, मुंबई और थाने से, और फिलहाल स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। इस तरह के हालात जितेंद्र क्यों पैदा हो गए? क्या इसका अंदाजा प्रशासन को नहीं था, किसी तरह की कोई चूक सामने आ रही है? देखिए, गांव वाले आंदोलन कर रहे हैं, इस बात की जानकारी थी, गांव वालों में गुस्सा भी है, इस बात की जानकारी प्रशासन को थी, और इसी के लिए वहां पर पुलिस भी कुछ हद तक तैनात की गई थी, कुछ थोड़ी तादाद में पुलिस भी वहां पर रखी गई थी। लेकिन ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा, इतना भीषण हो जाएगा, इसका अंदेशा प्रशासन को नहीं था, और इसी वजह से इस हिंसा ने इतना बड़ा रूप ले लिया। और अब जो है अतिरिक्त पुलिस बल वहां पर भेजा गया है, और प्रशासन को उम्मीद है कि थोड़ी देर में ही पूरी तरह से स्थिति जो है वहां पर शांत हो जाएगी। और जो ये आरोप लगाया जा रहा है जितेंद्र की, रक्षा मंत्रालय के लिए इनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया, ये पूरा मामला है क्या, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, गांव वालों का ऐसा आरोप है कि वहां पर की डिफेंस इंस्टॉलेशन के लिए उस जमीन को रक्षा मंत्रालय जो है अधिग्रहित कर रही है, और इसके लिए गांव वालों से सहमति नहीं ली गई, गांव वालों की मंजूरी नहीं ली गई, और सरकार जो है जबरन उनसे ये अधिग्रहण करवा रही है। और इसी के लिए पहले शांतिपूर्ण तरीके से गांव वालों की ओर से विरोध प्रकट किया जा रहा था, और आज आंदोलन का आयोजन किया गया था, इसी दौरान जो है ये भीड़ हिंसक हो उठी और उसने वाहनों में आगजनी कर दी, और जो बदलापुर का हाईवे है उसके पास में जो है हिंसा की गई। शुक्रिया जितेंद्र दीक्षित इस जानकारी के लिए। तो किसानों का ये आंदोलन हिंसक हो गया, और उसके बाद आपने ये तस्वीरें देखी कैसे वहां कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।